जनपद रायबरेली में पांचवें चरण के चुनाव सकुशल निपट जाने के बाद जहां एक ओर जिले की पुलिस चैन की सांस ले रही है और क्या कहना गलत नहीं होगा कि गहरी नींद में सो गई है। आपको बता दें कि ताजा मामला रायबरेली शहर का है जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद चल रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी बाइक से पुलिस लाइन चौराहे से जेल रोड की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक दो नवयुवक आए और पहिया मोटरसाइकिल से और उसके आगे लगा दिया और असलहा निकालने लगे। तभी पीड़ित हर्षित सिंह अपना बचाव करने के लिए गाड़ी भगाने लगा। वहीं तभी निलय सिंह चौहान ने अपने असलहे से उसके ऊपर फायर झोंक दिया और गोली उसके पैर में जाके लगी, लेकिन पीड़ित हर्षित ने डर के कारण गाड़ी नहीं रोकी और भगाकर अपना बचाव करने लगा और वो अपराधी निलय सिंह चौहान और उसका साथी फरार हो गए। सुनने में आया कि निलय सिंह के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे भी हैं, लेकिन फिर भी वो प्रशासनिक कानूनों से बेखौफ है और ऐसी हरकतों को अंजाम देकर वो फरार हो जाता है। अपराधी निलय सिंह का मूल निवास लालगंज ब्रजेंद्र नगर है। लोगों की माने तो वो लालगंज में घटना को अंजाम देता और रायबरेली जाता है, रायबरेली में देता है तो लखनऊ फरार हो जाता है। जिस तरह से उसकी दबंगई का यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। क्या हुआ आपके साथ और किसने अंजाम दिया? भैया निलय सिंह चौहान, इसके साथ एक लड़का और था, ठीक है। वो दोनों लड़के कहते हैं हम पुलिस लाइन से गुजर रहे थे, तो उसके बाद कहते हैं ये दोनों लड़के कहते हैं हमको देख के हमें गाड़ी पीछे लगा दिए, ठीक। जब पीछे लगा दिए गाड़ी, उसके बाद कहते हैं हमने गाड़ी भगाया, तो उसके बाद फिर से हमारी गाड़ी के बगल में आके हमारे पैर पे गोली मार दिए। कौन लोग थे? निलय सिंह चौहान, उसके साथ एक लड़का और था। कौन है ये लोग? अपाचे से थे। दोस्त? बस ये है कि कहते हैं एस जे में पहले पढ़ते थे, तो बस उसी हिसाब से गैंग चली पहली बार। क्या लगता है किस लिए मारे? कोई विवाद वगैरह? विवाद तो भैया हमारा तो कोई विवाद है ही नहीं किसी से, ना हमारी किसी लड़ाई है ना किसी को दुश्मन, कोई चीज़ के हमारी किसी लड़ाई है नहीं, तो ऐसी इस चीज़ के बारे में तुम नहीं बता सकते क्या बात कितना नहीं। बाबा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम गोवर्धन सिंह चौहान, अमर नगर रायबरेली का रहने वाला हूँ। तो कौन है आपका? क्या हमारा नाती है, लड़के का लड़का। क्या घटना हुई है? ये पढ़ता है, इंटर की परीक्षा देकर के पास हुआ। क्या हुआ इसके साथ? अब हुआ क्या, हम तो घर पे थे, इसकी खबर आई अस्पताल में तो हम यहाँ से गए, इसके बाद यही बता सकते क्या हुआ। क्या सूचना आपको मिली थी? क्या यही क्या अस्पताल आई और कुछ नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ तो बता रहे हैं कि गोली लगी, क्या लगा है, यहाँ जो बता रहे वो हमने देखा। कितने मारा ये भी नहीं जानकर ना, अगर पहचानते होते तब तक का कुछ तो करते। पुलिस को फोन किया? अभी नहीं, अभी तो पहले आए तो यहाँ देखा अस्पताल में डॉक्टर वगैरह इनका इलाज कर रहे थे, तो अब इसके बाद हम इतला करें। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया हर्षित सिंह चौहान नाम है, अमन नगर। क्या हुआ आपके साथ? ये भैया मैं पुलिस लाइन से जा रहा था, पीछे से निलय सिंह चौहान उसके साथ एक लड़का और था, उन लोगों ने मेरे सामने गाड़ी लगा दी, ठीक है, बगल में गाड़ी लगा दी। उसके बाद फिर मैंने उनको देखकर मैंने गाड़ी लगी भगाई, तो उसके बाद उन्होंने सामान निकाल के और मेरे पैर पर गोली चला दी। फिर भी मैं गाड़ी रोके नहीं, आगे जाके कहीं गाड़ी खड़ी करके तब कुत्ती जितना होते हैं कहते हैं कहीं साइड में जाके रुक गए थे, वही जेल रोड वाली रोड पे। तब तक चलाने के बाद वो भाग गए। तो क्या कोई पुरानी रंजिश थी और कुछ? किस कारण कोई लड़ाई नहीं थी, बहुत पहले कहते हैं निलय के ऊपर चलने में इससे पहले भी बहुत से मुकदमे दर्ज हैं, इससे पहले भी बहुत से मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। निलय कहाँ का रहने वाला है? ये निलय लालगंज का रहने वाला है। क्या करता है? अब मेरे ख्याल से पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई से छोड़ दी है। क्योंकि आपके साथ में ही पढ़ता था क्या ये? नहीं नहीं, आपके दोस्त नहीं पढ़ता था, दोस्त नहीं है, ऐसे एस जे में जब मैं पढ़ता था क्लास 9th 10th की बात है, तब जब पढ़ता था तब की बात है, तो थोड़ा सा इससे कहते हैं हल्का बहुत विवाद हुआ था, जो कहते थोड़ा सा इससे कहते हैं बहस हुई थी जिसके बाद ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद मेरा उनसे कभी ना मिलना हुआ था ना कभी कुछ हुआ था, कि आज उनको देख ले गए थे। ठीक है। नाम का 18 साल का बच्चा है जो जो अमर नगर का रहने वाला है, कोतवाली का, और इसके अटेंडेंट जो आए थे, अटेंडेंट के अनुसार उसको गोली लगी, मारा गया है, लेकिन तो एग्जामिन करने के बाद से अभी कुछ कंफर्म क्लियर नहीं हुआ है, जिसको मैंने एडमिट सारी ट्रीटमेंट करके पट्टी करके अपने सर्जन साहब को दिखा दिया, उन्होंने भी देखा, देखने के बाद से उसका अभी अर्जेंट में एक्सरे किया जाएगा, करने के बाद से जो कंक्लूजन जो रिजल्ट आएगा ओपिनियन के बाद ही उसको फाइनल रिजल्ट पता चलेगा, गोली लगी एक नहीं लगी। क्या हालत है? हालत ठीक है, उसके गोली जो है जो घाव है एग्जामिन कर घाव ये पता चला दाहिने पैर में उसके लेटरल साइड में लगा हुआ है, घाव की साइज अबाउट 2 सेंटीमीटर के आसपास है, जो खतरे से बाहर है, कोई खतरा नहीं है उसको,
अब गोले का मैटर है तो गोली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कंफर्म किया जा सकता है कि क्या है क्या नहीं। आगे टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रायबरेली। लखनऊ में मल्लिका यावत किंग्स के द्वारा इंटरनेशनल मदर्स डे के अवसर पर सीक्रेट सुपरस्टार सीजन 2 एवं शानी अवध अवार्ड का आयोजन रविवार को राजधानी के बुद्धा रिसर्च ऑडिटोरियम में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। वही कार्यक्रम दीप प्रज्वलन सहित बाल कलाकार वागीशा पंत द्वारा गणेश वंदना के साथ हुई। वही कार्यक्रम के अंतर्गत 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया तथा अपने प्रतिभाओं को प्रदर्शन कर लोगों का दिल जीत लिया। वही समाज में बेहतर काम करने वाली 10 महिलाओं को अवध फीमेल अचीवर व 5 महिलाओं को सीक्रेट सुपरस्टार अवार्ड फॉर सिंगल मदर अवार्ड उनके कार्य क्षेत्र में विशिष्ट प्रदर्शन हेतु दिया गया। वही सीक्रेट सुपरस्टार अवार्ड अनुराका सरकार प्रेमलता मिश्रा व बघेल को दिया गया। शानी अवध प्राप्त करने वाली 10 महिलाओं में वर्षा वर्मा सलोनी केसरवानी विनीत सेठ मोना वर्मा गुंजन वर्मा गरिमा तिवारी श्वेता सिंह मंजीत कौर आरती सिन्हा चित्रा चौधरी आदि शामिल है। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का आयोजन गर्व फाउंडेशन के अध्यक्ष अनुपम तिवारी एवं मल्लिका अवध के प्रेसिडेंट श्वेता तिवारी व सो डायरेक्टर भावना सिंह एवं वंदना मिश्रा द्वारा किया गया। वही आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेटियों की सुरक्षा व शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। मैम आगे क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पे मदर्स डे के अवसर पर सुपर मॉम कार्यक्रम का आयोजन मल्लिका अवध क्वींस ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। ये हमारा सीजन 2 है। यहाँ का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सोशल कॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आज ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। इसमें सिंगल मदर्स को भी हमने ऑनर किया है, जो 5 सिंगल मदर को हमने अपने स्टेज पर आज पुरस्कृत किया है, जो कि सीक्रेट सुपरस्टार अवार्ड है। साथ ही साथ मदर्स अपने बच्चों के साथ परफॉर्म कर रही हैं। एज ग्रुप जो मदर की वो 25-40 ईयर्स है। साथ ही साथ ये मदर्स कानपुर इलाहाबाद बनारस कई शहरों से आई हुई हैं। मदर्स डे का ये जो मेन उद्देश्य है वो ये है मैसेज देना लोगों में कि हर कोई कहता है कि पानी बचाओ हवा बचाओ जल बचाओ वायु बचाओ, लेकिन क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी बेटी बचाना नहीं है? क्योंकि जब तक इंसान धरती पर नहीं होंगे तब तक हवा पानी इसकी ज़रूरत है किसे? बेटी जब बचेगी तभी वो माँ तक का सफ़र लेकर जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी माँ तक के सफ़र तक पहुँचे और वो एक नया जन्म दे, क्योंकि जीवन ही होगी तभी ज़रूरत होगी। आज कितनी माँओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है? यहाँ पे 20 माँओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिनकी एज ग्रुप 25-45 है, जो कि उत्तर प्रदेश से विभिन्न भागों से आए हुए हैं। जी, पुणे से भी आए हैं हमारे यहाँ, जो कि बड़े ही गौरव की बात है हमारे लिए। यूपी के कंटेस्टेंट ज़्यादा हैं, बाहर से सिर्फ पुणे से एक मदर आई है। आपके द्वारा जो बैच पहनाया गया मल्लिका अवध का, वो किस चीज़ का था? एक्चुअली हम चाहते हैं कि ना सिर्फ यूपी में बल्कि ऑल ओवर इंडिया मल्लिका अवध काम करे। जिस तरीके से आज यहाँ सुपर मॉम का आयोजन किया जा रहा है, उसी तरीके बाकी शहरों में भी मल्लिका अवध द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसके लिए हमने हर शहर से हर सिटी से ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किए हैं। ब्रांड एम्बेसडर का जो पहला राउंड था वो आज संपन्न हुआ है, जिसमें 10 ब्रांड एम्बेसडर हमारे अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट जो राउंड है हमारा 2nd राउंड ब्रांड एम्बेसडर्स के, वो 9 जून को, जिसमें हमारा सुपर मॉम सॉरी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए भास्कर सारस्वत की रिपोर्ट लखनऊ। जनपद शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के शिक्षक MLC संजय मिश्रा के प्रतिनिधि संजय वाजपेयी के 20 वर्ष पुराने ढाबे पर सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बाद भी पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है। वहीं इसको लेकर MLC संजय मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर तमाम आरोप लगाए और शासन प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही की भी मांग की है। आपको बता दें कि शिक्षक MLC संजय मिश्रा ने बताया कि उनके प्रतिनिधि संजय वाजपेयी की माता राजेश्वरी देवी के नाम नेशनल हाईवे 24 पर 20 वर्ष से सरोवर ढाबा संचालित है। उनकी इसी जमीन पर सत्ता पक्ष से जुड़े भूत सभासद रोशनगंज मोहल्ला निवासी रामकिशोर राठौर की नियत खराब है, जिसके तहत उन्होंने कई बार इस पर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए। तो राजेश्वरी देवी उनके पति रामशंकर सहित चारों पुत्रों के खिलाफ 9 अगस्त 2018 को तिलहर थाने में IPC की धारा 406 420 467 471 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था। वही MLC का आरोप है कि फर्जी मुकदमा होने के बाद राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी व पुलिस बल सत्ता के दबाव में ढाबे की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने इस केस में हाईकोर्ट से स्टे भी लिया। पुलिस और अधिकारी स्टे का उल्लंघन कर हाईकोर्ट को चुनौती भी दे रहे हैं। इसी मामले में 10 मई को एक बार पुनः तिलहर थाने में राजेश्वरी देवी के खिलाफ IPC की धारा 427 व 147 में मुकदमा पंजीकृत किया गया।
वहीं एमएलसी संजय मिश्रा ने यह भी बताया कि 11 मई की रात को पांच दरोगा 20 सिपाही दबिश देने राजेश्वरी देवी के आवास पर पहुंचे, जहां केवल महिलाएं मौजूद थी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया और गाली गलौज की। वहीं एमएलसी का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है, जिससे राजेश्वरी देवी और उनका पूरा परिवार भयभीत है। पुलिस और प्रशासन हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहा है। एमएलसी संजय मिश्रा ने कहा कि यदि फर्जी मुकदमे वापस नहीं हुए तो धरना प्रदर्शन का भी रास्ता आजमाया जाएगा। में कुछ भू माफिया सक्रिय है। विगत लगभग 20 वर्षों से एक सरोवर ढाबा ये भैतपुर में चल रहा है, बरेली मोड़ से आगे। उस पर लगभग एक वर्ष से भू माफियाओं की नज़र पड़ गई और उस पर कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जा रहा, और जिसमें सत्ता के नेता लोग भी शामिल होकर उस ढाबा पर कब्जा कराने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। उस पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे ऑर्डर भी है। उस स्टे ऑर्डर के बाद ढावा स्वामियों पर बार बार फर्जी रिपोर्ट लिखाकर उनको जेल भेजने का षड्यंत्र रचा जा रहा। इन लोगों को जेल भेजकर और उस ढावे की जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, ये भूमाफियाओं का कुचक्र चल रहा है। इस संदर्भ में मीडिया के माध्यम से हमारे शासन और प्रशासन तक बात पहुँचे कि हम लोग सजग प्रहरी हैं, इस तरीके का कुचक्र नहीं चलने देंगे, इस तरीके की नीति नहीं चलने देंगे। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार एंटी भू माफिया योजना चला रही, जिसके अंतर्गत भू माफियाओं ने अगर जमीन कब्जा की है तो उसको छुड़वाने का प्रयास हो रहा, और यहाँ तो सीधे सीधे ढाबा स्वामियों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का शासन और सत्ता के सहयोग से प्रयास किया जा रहा। जैसा कि आपने अभी कहा है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जी आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो जगह उन्होंने कब्जा की है किसकी है क्या है? 20 वर्ष पहले जब वहाँ पर ढाबा बनाया गया था तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। 20 वर्ष से लगातार ढाबा चलता चला आ रहा है, एक साल से ही उसमें स्वामी बदल गया क्या? अगर बदल गया तो उसके कोई प्रमाण दिखाएं। फिर उसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है, जब तक स्थगनादेश है तब तक उस पर यदि कोई कार्रवाई की जाती है या उससे संबंधित कोई कार्रवाई की जाती है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन है। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।